आज हम जानेंगे अवक्ष्य भक्ष्य अर्थात भोजन के योग्य, खाने के जो योग्य होता है वो कहलाता है भक्ष्य, और ना भक्ष्य इति अवक्ष्य, जो खाने के योग्य नहीं है वह अवक्ष्य कहलाता है। तो आइए, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें पवित्र जिन आगम में अवक्ष्य संज्ञा प्राप्त है। जो पदार्थ खाने भक्षण करने योग्य नहीं होता उसे अवक्ष्य कहते हैं। अवक्ष्य के छह भेद, अवक्ष्य के भेद सामान्य से अवक्ष्य पांच प्रकार का बतलाया। त्रस हिंसा कारक, बहु स्थावर हिंसा कारक, प्रमाद कारक, अनिष्ट कारक और अनुप्य सेव, अनुप सेव्य। आइए अब इनको क्रमशः देखते हैं। पहला, त्रस हिंसा कारक अवक्ष्य, अभक्ष्य अवक्ष्य। जिस पदार्थ के खाने से त्रस जीवों का घात होता है उसे त्रस हिंसा कारक अवक्ष्य अभक्ष्य कहते हैं। जैसे बर्थडे केक, विदेशी टॉफी, बाजार की मिठाई, अंडा, नॉनवेज, होटल का भोजन, पत्ता तथा फूल गोभी, घुना हुआ अनाज, अमर्यादित वस्तु, मुरब्बा, पुराना अचार, एक दिन से अधिक का अचार और दुदल आदि के खाने से त्रस जीवों का घात होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरह ध्यान में रखनी, इनसे कम से कम पूर्ण रूप से बचने का प्रयास होना चाहिए। जिसमें आचार, जो आचार आप अपने घर में प्रयोग करते हैं, ये महापाप का कारण है। आलू तो स्थावर जीव के घात का कारण है, लेकिन आचार तो त्रस जीव के घात का कारण है। ऐसे आचार, पापड़, वरी, जो वरी होती ना, अब आप क्या अलग अलग लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, इन सबको तो छूने योग्य भी नहीं, खाना तो दूर की बात, इसलिए इनसे बचना चाहिए। एक शब्द और यहाँ पे, दुदल। द्विदल क्या होता है? तो जब दही या मट्ठा, छाछ के साथ दही, मट्ठा और छाछ, इनके साथ यदि दो दल मतलब दो भागों में समान भागों में टूटने वाला कोई अनाज, जैसे चना, जिससे चने की दाल बनी, तुअर की दाल, अरहर की दाल, मूंग दाल, ये जो जितनी भी दालें हैं, ये सारी की सारी, ऐसा अनाज जो दो समान भागों में टूट जाता है, वो यदि मिल जाए और फिर उनका लार के साथ यदि संयोग होता है तो वह त्रस जीवों की उत्पत्ति में कारण बनता है। इसलिए आपके यहाँ बनने वाले दही बड़े, मंगोड़ी दही के साथ खाना, या छोलों में दही बड़, छोला बनाते समय उसमें दही डालना, या छोला और पूरी, छोले के साथ भटूरे, इनमें दही का मौन देकर उसलना। आप लोग जब उसको आटे को गूंथते ना, तो बहुत सारी रोटियां आजकल चलने लगी, विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थ, तो उसमें यदि उनको दही के साथ उसना जाए, दही के साथ गूंथा जाए, तो फिर उन्हें किसी भी स्थिति में आप कभी भी दही के दाल बेसन या दाल से बनी हुई किन्हीं, बेसन से बनी हुई किन्हीं पदार्थों के साथ नहीं खा सकते। बहुत सारे स्थानों पर जो आपका इडली होती, इडली, उस इडली में भी दही की इडली बनाते और फिर उसे सांभर के साथ खाते, तो यह भी दोष है। साथ ही गट्टे आप बनाते तो गट्टे में भी दही का मौन डालते, तो उससे भी बचना चाहिए। ये द्विदल है। द्विदल का इसके विषय में बहुत सारी बातें आपको राजीव दीक्षित के अनेक वीडियोस हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इन्हें महान हिंसाकार के साथ साथ शरीर के लिए महान रोग कारक भी है, महानतम रोग उत्पन्न करने वाला है। उड़द की दाल और दही का मिक्स,
कि महान रोग का कारण है। इसलिए आपको किसी भी दाल या बेसन के साथ दही, मट्ठा, छाछ इन सब चीज़ों का जीवन भर के लिए त्याग करना चाहिए। और माताएं अपने घर में ऐसे पदार्थ ना ही बनाएं। चाट पकौड़ियों में भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि दही का प्रयोग ना हो, ऐसा ध्यान रखते हुए और अपने घर में सात्विक भोजन बनाएं। ये भोजन डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता कि किसी ने खाया और तुरंत मरण हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन ये वस्तुएं धीरे धीरे शरीर में ऐसे जहरीले तत्व उत्पन्न करते चले जाते हैं जो एक समय के बाद महान कष्ट को देने वाला है। इसलिए इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ा अवक्ष यदि आपके घरों में आज कोई है तो उसका नाम है अचार। इसलिए अपने घर में जो अचार आप बनाते हैं, आम, कैरी आदि आदि का, वो अचार आपको कभी भी एक दिन से अधिक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने घर में सबसे बड़ा पाप अभी वर्तमान में देख रहे हैं तो बस वही है। क्यों? क्योंकि वो 6-6 महीने तक डिब्बे में भरा पड़ा है, 6-6 महीने तक चल रहा है। आम के सीजन में बनाया, अब अगले साल जब तक आम नहीं आएंगे तब तक के लिए अचार का डिब्बा पैक करा हुआ रखा हुआ फ्रिज में और रख दिया है उसको। चाहे आप उसे फ्रिज में रखो, चाहे उसमें कितना भी नमक डालो, उसमें सरसों का तेल डालो या अन्य किसी तेल आदि में डालो, लेकिन उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं रुक सकती। निर्णय बना लें, आचार महाअवक्ष है। महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा है, आचार खाना अर्थात नरक का द्वार है। नरक के 4 द्वारों में एक द्वार का आचार संधान। इसलिए आपको भी अपने जीवन पर्यंत के लिए आचार का त्याग करना चाहिए। तुरंत आपने नींबू लिए, 4 पीस बनाए और उसको अपने उपयोग में ले लिए। आंवले का इस प्रकार कर सकते, और भी कैरी आदि आम का भी तुरंत करने का जो है वो करें। हर मौसम में कोई ना कोई आपको आचार की सामग्री उपलब्ध होती है, उनका प्रयोग आप करें, लेकिन आचार का प्रयोग कभी ना करें। ये महाअवक्ष है, हर जैन के घर से आचार का विसर्जन होना चाहिए। जैनों को छूने योग्य नहीं है आचार। आगे, बहु स्थावर हिंसा कारक अवक्ष। जिस पदार्थ के खाने से अनंत स्थावर जीवों का घात होता है, ऐसे बहु स्थावर हिंसा कारक अवक्ष कहते हैं। जैसे आलू, घुइया, अरबी, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक, शकरकंद, तुच्छ फल, यानी एक प्रकार के छोटे छोटे से फल होते हैं जो इनका कोई हम जान पहचान नहीं है, कहाँ से आए, क्या हैं, ये जंगलों के या जंगली जो फल होते हैं ये, और तरबूज आदि के खाने में अनंत स्थावर जीवों का घात होता है। इनमें अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। प्रमाद कारक अवक्ष। जिस पदार्थ के खाने से प्रमाद, आलस्य अथवा बुरी भावनाएं आती हैं, ऐसे प्रमाद कारक अवक्ष कहलाते हैं। जैसे शराब, भांग, चरस, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गांजा और अफीम आदि नशीली वस्तुएं। इन वस्तुओं के खाने से प्रमाद बढ़ता है। अनिष्ट कारक अवक्ष। जो पदार्थ भक्ष्य होने पर भी पथ्य हितकारक नहीं होता, उसे अनिष्ट कारक अवक्ष कहते हैं। जैसे खांसी के रोग वाले को मिठाई खाना, बुखार वाले को हलवा या घी से बनी हुई वस्तु खाना, जुखाम वाले को ठंडी वस्तु खाना अनिष्ट कारक है, अर्थात हितकारक नहीं। अपने शरीर की प्रकृति को पहचाने। हमारा शरीर मुख्य रूप से 3 प्रकृतियों का होता है, कफ, वात और पित्त। तीनों में से इनका यदि समान संतुलन है तो शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन इन तीनों में से जिसका जो भी हाई है
और वो हाई कफ वाला है तो उसको सर्दी, कफ, जुकाम, ये बीमारियां होती हैं शरीर में मोटापन। जो बात वाला है उसके जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, दुबला पतला, ये बीमारी होती है। और जो पित्त वाला है उसको एसिडिटी, गैस, चक्कर, सिर घूमना, आँखों लाल होना, छाले, अल्सर, ये रोग होते हैं। तो जिसकी जैसी प्रकृति है उसको अपनी प्रकृति को पहचानकर उसके अनुकूल भोजन लेना चाहिए। अगर वो उसके प्रतिकूल भोजन लेगा तो अनिष्टकारक अवक्ष की संज्ञा को प्राप्त होंगे, जिससे हमारे शरीर का नाश तो हो ही रहा है साथ ही धर्म ध्यान बिगड़ेगा। जैसे आज सर्दी का मौसम है तो कई लोग कहते हैं हमारे सर्दी में 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने अभिषेक नहीं जा पाते, क्यों? बड़ी सर्दी खांसी होती। तो अरे भाई, अपने भोजन, अपने सिस्टम को चेंज करो, अभिषेक बंद मत करो। कई लोग हम गर्मियों में सुबह सुबह नहीं जा पाते, क्यों? बड़ी प्यास सताती है, बड़ी परेशानी होती है, बेचैनी होती है, चक्कर आते हैं। तो आप अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन करना शुरू करें, क्योंकि ये शरीर एक प्रकार का द्रव्य है। ये द्रव्य है और ये द्रव्य जो है ये भोजन नाम के द्रव्य के अधीन है। जैसा द्रव्य उसे मिलता जाएगा वैसा वो करता है। जैसे मशीन है, कोई मशीन एक डीजल, पेट्रोल, बिजली या अन्य किसी एनर्जी पर निर्भर है, वैसे ही हमारा यह जीवन, ये शरीर है। यदि उसको उसके अनुकूल भोजन, अनुकूल पानी, अनुकूल वस्तु नहीं मिलती है, प्रतिकूल मिलता रहे तो बहुत समय बाद तक तो वह अपने आप डैमेज होने लगता है। इसलिए अपने शरीर की रक्षा आप अवश्य करें, उसको अच्छी तरह समझें इसके लिए क्या आवश्यक है। जितनी यहाँ पे आवश्यक वस्तुएं कही गई हैं, कई लोगों का ऐसा प्रश्न होता है आपने सब चीज़ें तो अवश्य बता दी, अब क्या खाएं, कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल गलत ये धारणाएं आपको अच्छी तरह जीवन भर के लिए निकालनी। हजारों परिवार आज भी ऐसे हैं जिनने अपने घरों में कभी भी आलू, प्याज, भट्टा, बैगन और मूली, गाजर, इनकी एंट्री भी जिन घरों में नहीं होती, तो क्या वो लोग भूखे रहते हैं या उनके यहाँ भोजन करने की सामग्रियाँ नहीं आती होंगी, उनके घर में सब्जियाँ नहीं आती होंगी? बल्कि मैं आपसे कहूँ उनके यहाँ आपसे भी अच्छी अच्छी वेराइटी की सब्जियाँ और अलग अलग टेस्ट बनाने बढ़ाने वाली सामग्रियाँ आने लगी। जैसे अभी वर्तमान में जब आलू हम जीवों ने खाना छोड़ा तो केले के ही सारे व्यंजन बनने लगे। पूर्व में विकल्प ही नहीं था, आलू छोड़ दिया किसी ने तो उसको तरस जाए बेचारा चाट पकौड़ी खाने को। लेकिन आज स्थिति यह है कि आज प्रायः हर घर में माताएं अच्छी तरह व्यवस्थित सारी डिश, सारी प्रकार के व्यंजन केले के ही तैयार करने लगे हैं। इससे कितना लाभ हो गया? इससे बाजार की सड़े गले गंदी वस्तुएं खाने से घर परिजन लोग बच गए और आलू के खाने से जो महान हिंसा होनी थी वो हिंसा भी बच गई। इसलिए आपको चाहिए कि आप अच्छी तरह अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। अनुपसेव्य, जिस पदार्थ को खाना अपने समाज तथा धर्म वाले बुरा समझते उसे अनुपसेव्य कहते हैं। जैसे शंख, हाथी दांत, कस्तूरी, गौमूत्र, स्वमूत्र आदि, ऐसे कुछ पदार्थ जिन्हें लोक में निंदनीय माना जाता है, ऐसे पदार्थ। अवक्ष पदार्थों के नाम, कुछ अवक्षों के नाम यहाँ पर दिए गए, ओला, घोलबड़ा, निशि भोजन, बहुबीजा, वैगन, संधान, बड़ पीपर, उमर, कटोमर, पाकर, फलिया, होए, अजान, कंद, मूल, माटी, विषयामिस, मधुर, मधुमक्खनी, अरुमधुरापान, फल अति तुच्छ, तुषार, चलतरस, ये वाईस अवक्ष बखान। इतने ही है ऐसा नहीं, समय समय पर अवक्षों की गिनतियाँ भी बढ़ती चली जाती। अब कोई श्राव का चाल लिखे तो उसमें वो लिखेगा चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर की चीज़। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे अनुकूलताओं के अनुसार आप लोग बाजार में जो उत्पन्न होता है उसे अपने घर में लाने लगते हैं, फिर उसे
आचार्य को निषेध करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ खाने योग्य नहीं है। जैसे फास्ट फूड का अभी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के सत्संग का एक सिस्टम बनाया कि पहले जैसे कहते थे ना आलू जो लोग खाते हैं उनसे आहार नहीं लेंगे, फिर धीरे धीरे नियम बनाया बना के जो रात्रि भोजन करते हैं उनसे आहार नहीं लेंगे, फिर धीरे धीरे नियम बनाया कि भैया जो फास्ट फूड खाते हैं उनसे आहार नहीं लेंगे। क्यों? अध्ययन किया गया तो पाया गया फास्ट फूड अर्थात मांस आहार। अब फास्ट फूड क्या है? साक्षात मांस भक्षण है। अब मांस भक्षण करने वालों से आहार कैसे ले लें? इसीलिए जो फास्ट फूड खाएंगे वो आहार देने के पात्र नहीं है, वे अभिषेक या श्री जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को छूने के अधिकारी नहीं है। तब फिर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षिराज ने जो इस योग में तीर्थंकर समान है तो उन्होंने अपने इस तीर्थ में जो उनका समय योग चल रहा है इसमें ऐसे जो एक प्रकार के अप्रत्यक्ष मांसाहारी हैं जो प्रत्यक्ष में तो मांस भक्षण नहीं करते लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मांस का आहार ले रहे हैं, उन लोगों को बचाने के लिए ये बहुत बड़ा एक मुहिम एक अभियान छेड़ा है। इसलिए आपको बचकर और संभलकर अपने भोजन की वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। घोल बड़ा, चना मूंग उड़द आदि पदार्थों के दलने पर बराबर बराबर दो टुकड़े हो जाते हैं, उसके साथ दही या छाछ से कड़ी बनाकर खाना। हाँ मैं नाम भूल गया था, कड़ी जो बेसन की अली कड़ी बनती है, रायता बनता है बूंदी का रायता और बहुत प्रकार के रायते बनाते हो, फिर उनको भिन्न विभिन्न प्रकार की दाल सब्जियों के साथ खाते। राजस्थान में प्रचलन है छाछ रख ली और अपने विभिन्न प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं, बीच बीच में छाछ पीते चले जा रहे हैं, इस सब अवक्ष हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से छाछ आदि का प्रयोग यदि करना है तो पहले भोजन करें, फिर अच्छी तरह पानी पीकर दांतों को साफ करके उसके बाद छाछ रायता या दही या अन्य कोई मट्ठा आदि आपको लेना है तो वो उस समय पिए। खिचड़ी में दही मिलाकर खाने से दुदल होता है, ऐसे दुदल के मुख में जाने से जीव में लार के संयोग से समूचन त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इससे महाहिंसा का पाप लगता है। बहुबीजा, जिस फल में बीजों के रहने के लिए अलग अलग स्थान नहीं होता अर्थात जिसमें दल के भीतर बीजों का घर नहीं होता, जैसे बैगन, जैसे पपीता है तो पपीते में सारे बीज एक साथ होते हैं लेकिन जो बैगन होता है उसमें बीज उस दल के अंदर घुसे होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए दोनों में अंतर है। तो पपीता तो खाया जा सकता है क्योंकि उसके बीज अंदर एक साथ एकत्रित है, घर बनाया उन्होंने, बीज आपने निकाल दिए अलग कर दिए फिर पपीते को भक्षण कर लिए, लेकिन आप कितना भी करने के बाद जो बैगन है उसके बीजों को बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए वह अवक्ष बन गया। संधान मतलब आचार, आचार के विषय में हमने आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी जवाबदारी कि आपके घरों से आचार के डिब्बे का विसर्जन हो। सभी लोग नियम ले लें, त्याग कर दें, हम आचार ना खाएंगे ना बच्चों को खिलाएंगे। बच्चों की बुद्धि के नाश का कारण है आचार, इंटेलिजेंस पावर को एक प्रकार से रिस्ट्रिक्ट करने वाला है, इसलिए आप उससे बचें। कटुमर मतलब कटहल, अजान फल, कोई फल या साग जिससे हम पहचानते नहीं, ऐसे फल भी ऐसी सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। कंदमूल जमीन के अंदर पैदा होने वाली वस्तुएं जैसे आलू अदरक आदि। आमिस अर्थात मांस, तुच्छ फल, जिस फल में बीज नहीं पाए जाते और जो बहुत छोटा होता है परंतु बढ़ सकता है उसे कहते हैं तुच्छ फल। जैसे बीही, आप गए और वृक्ष पर छोटे छोटे से बीही लगे हुए अमरूद छोटे छोटे और आप उसको तोड़ लाए, ककड़ी छोटी छोटी सी, तो ये तुच्छ फल कहलाते हैं, इनको भी नहीं खाना चाहिए जब तक ये पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं होते। तुषार अर्थात बर्फ, और चलित्रस जिसका स्वाद बिगड़ गया हो अर्थात जिसमें खटास या दुर्गंध आ गई हो, ऐसे पदार्थ का भक्षण भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यह अवक्ष वस्तु के विषय में आपके बीच जो आचार्यों के पूर्वाचार्यों के कथनानुसार है आपको एक बार जानकारी के लिए बहुत अच्छी मैं आपके सामने बता देता हूँ। मुनियों का तो एक ही आचार शास्त्र है
जिसका नाम है मूलाचार। बाद में आचार्य सारवीरानंदी स्वामी ने लिखा, लेकिन वो भी मूलाचार के आधार से ही है। लेकिन श्रावकों के लिए तो समय समय पर परिवर्तित करते करते 36 प्रकार के श्रावकाचार लिखने पड़े। और मैं आपके सामने अभी भी कहा, फिर से कह रहा हूँ, अभी यदि कोई आचार्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज इस पंचम काल के इस दौर में 21वीं सदी में श्रावकाचार लिखने बैठेंगे तो उन्हें क्या क्या मोबाइल की मर्यादाएं करानी पड़ेंगी। आपके फास्ट फूड को जो त्याग करिएगा वही जैन है, ये मूल नियम बनाना पड़ेगा। तो ऐसे समय समय पर परिवर्तन आते हुए ये व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन इस व्यवस्था को हम पूर्व आचार्यों की व्यवस्था ही माने। ऐसा ना माने कि नहीं नहीं ये तो लिख दिया समय पर आने पर, नहीं, व्यवस्था तो व्यवस्था है। व्यवस्था को समझते हुए हम अच्छी तरह अपने भोजन की शुद्धि आदि बढ़ाएं। कल भी इस विषय में विस्तार से चर्चा हुई थी, आज पुनः इस विषय में चर्चा हुई। मुझे आशा है, उम्मीद है कि अब मैं किसी भी घर में प्रवेश करूं तो मुझे आचार का डिब्बा दिखाई ना पड़े। इतना कम से कम आप सब करें, ऐसी भावना के साथ पवित्र जन शासन की निरंतर वृद्धि हो, सब जीव स्वच्छ निर्मल भोज्य सामग्री को ग्रहण करें, ऐसी भावनाएं। इसमें एक शब्द आया था तरबूज। तरबूज के विषय में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्रंथ हैं 36 प्रकार के श्रावकाचार, उनमें से कई ग्रंथों में तरबूज शब्द को प्रयोग में नहीं आया, तरबूज को एक दूसरा नाम वहाँ पे आया, कली कंदिला नाम, ऐसा कुछ नाम आया है जिसे हम लोग कलीना शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा शब्द का प्रयोग वहाँ पर आता है जिसका अर्थ तरबूज है, ऐसा मानकर बहुत सारे लोग उसे अवक्ष भी कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसका भक्षण भी करते हैं। इसलिए ये परंपरा वर्तमान में चल रही है कि कुछ लोग उसे अवक्ष भी कहते हैं, कुछ लोग उसका ग्रहण भी करते हैं। जैसे सिंगाड़ा, तो सिंगाड़े की प्रक्रिया बहुत हिंसक होने से कुछ लोग उसे अवक्ष कहते हैं, कुछ लोग उसका ग्रहण भी करते हैं। जैसे ये दो तीन चीज़ें एक सी भी हैं, उनको कुछ लोग अवक्ष भी कहते हैं, कुछ लोग उसका ग्रहण भी करते हैं। यदि हमारी इंद्रिय और रचना पर कंट्रोल हो और यदि हम अपने आप को संयमित बनाने का भाव रखते हो तो इन्हें छोड़ सकते हो तो छोड़ना चाहिए।